रतलाम में मौसम की दोहरी मार से किसानों की सोयाबीन की फसल चौपट हो रही है। पहले बारिश की कमी और अफलन से परेशान सोयाबीन के किसानों के लिए अक्टूबर में ही हो रही बारिश आफत बनी हुई है। किसानों की पककर तैयार हुई सोयाबीन की फसल बारिश में खराब हो रही है। रतलाम के नामली और जावरा क्षेत्र में खेतों में सोयाबीन की फसल खेतों में ही अंकुरित होने लग गई है। पानी से भरे खेतों में कटकर पड़ी हुई सोयाबीन की फसल बर्बाद होने लगी है, जिससे किसानों को सोयाबीन की खेती में दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मटर की बुआई करने वाले किसानों को भी दो दिनों से हो रही बारिश से नुकसान पहुंचा है। दरअसल सितंबर के महीने में बारिश की खेच और विभिन्न बीमारियों की वजह से सोयाबीन की फसल में अफलन की समस्या देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा रतलाम ग्रामीण और जावरा क्षेत्र में सोयाबीन की फसल में नुकसान देखा गया था, जिसके बाद अब बची कुची सोयाबीन की फसल पककर तैयार हुई तो अक्टूबर में हो रही बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश में लगातार भीगने की वजह से सोयाबीन के दाने अंकुरित होने लगे हैं। वहीं कई खेतों में जलभराव की वजह से कटकर पड़ी हुई फसल भी खराब हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सोयाबीन के खराब हुई फसल का सर्वे करवाने और फसल बीमा का लाभ दिलवाने की मांग की है।